किडनी की बीमारी से पीड़ित बल उपमंडल की कोरोना संक्रमित एक महिला का लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नीरचौक में निधन हो गया। महिला का 19 मई से नीरचौक अस्पताल में उपचार चल रहा था। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि बल उपमंडल के नीरचौक के रति की रहने वाली उक्त महिला किडनी की बीमारी से जूझ रही थी। 20 मई को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसी संदर्भ में और जानकारी देते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नीरचौक मंडी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रही थी और इसी सिलसिले में अस्पताल आई थी, जहां 19 मई को उनका कोरोना संक्रमण को लेकर टेस्ट भी किया गया था और जो पॉजिटिव आया था। वे अन्य रोगों से भी ग्रसित थी। उन्होंने कहा कि अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि श्रीमती अशोका रानी, उम्र 63 वर्ष, पत्नी श्री गणेश दास, विलेज एंड पीओ रद्दी, तहसील बल, जिला मंडी, हमारे पास श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 19 मई से उपचाराधीन थी। 19 मई को इनका गले का सैंपल लिया गया था, जो 20 मई को पॉजिटिव पाया गया था। ये मरीज डायबिटीज मेलेटिस के साथ साथ एंड स्टेज रिनल डिजीज से ग्रस्त थी और इनका हफ्ते में दो बार डायलिसिस भी होता था। 20 तारीख को पॉजिटिव आने के बाद परसों 23 तारीख को इनका डायलिसिस ड्यू था, जो हमने इनका डायलिसिस भी करवाया था। इनकी स्थिति कुछ खराब थी, कल फिर भी थोड़ी डायलिसिस के बाद थोड़ी ठीक हो गए थे। आज सुबह 11-12 बजे के बाद इनकी स्थिति में थोड़ी खराबी आई और 1 बजे अचानक इनका जो ब्लड प्रेशर था और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन थी वो कम हो गई और इनको 1 बजे वेंटिलेटर पर डाला गया। और हमारे डॉक्टरों ने काफी मेहनत की, परंतु अथक प्रयासों के बावजूद इनको बचाया नहीं जा सका और 4:15 बजे इनको मृत घोषित कर दिया। अब उसके बाद हमने स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी शिमला में और जिला प्रशासन मंडी को सूचित किया, इनके रिश्तेदारों को सूचित किया, इनके बेटे को भी बताया। इनके बेटे से हमारी 1:30-2 बजे के करीब भी बात हो गई थी, हमने इनकी जो कंडीशन थी वो इनके बेटे से शेयर कर ली थी। और अभी गाइडलाइंस के मुताबिक जो डेड बॉडी मैनेजमेंट है उसको हमने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बॉडी को डेड बॉडी बैग में डाल के अभी शवगृह में शिफ्ट कर दिया है और इनके परिजनों से बात कर ली है, प्रशासन से भी बात कर ली है कि आगे जो अब इनका अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है वो कैसे बनाया जाए, तो जैसे भी अब अगली कोई हमें सूचना आती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए।